तो अपनी कार रहने वाली है पोलो, जिसके अंदर की हमने पूरा बेहतरीन काम किया है। पहले बात करूंगा इसके फ्रंट की। फ्रंट में अगर आप देख पा रहे होंगे, इसके हमने प्रॉपरली पूरा रेड कलर से इसको हाईलाइट किया है, और साथ साथ ये रेड कलर खाली फ्रंट पे यहाँ पे नहीं है, इसके अंदर भी हुई है। वोल्क्सवैगन लोगो के अंदर भी प्रॉपरली किया हुआ है, देख रहे हो काफ़ी बेहतरीन लुक इससे आ रही है। और थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे मैश के ऊपर, तो मैश की आउटलाइन भी हमने प्रॉपरली रेड से करी है। और थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इसमें हमने स्प्लिटर्स और ऐड करे हुए हैं, जो गाड़ी के लुक तक स्पोर्ट्स लुक एक दे रहे हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो है आज की इस वीडियो में रहने वाली है, वो रहने वाली है इसके हेडलैम्प्स, जो हमने प्रॉपरली चेंज कर दिए, आफ्टर मार्केट हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए। हेडलाइट के अंदर आपको मिलता है, इसके अंदर HID मिलती है, प्रोजेक्टर मिलता है, और साथ में इसके अंदर DRL मिलती है प्रॉपरली, जो कि बहुत ज़्यादा गाड़ी के लुक को इनहेंस करती है। चलिए मैं एक बार आपको मैं जो इसकी सेंटर लाइट एक बार उसकी ऑन करके दिखाता हूँ, इसके लुक आपको चेकआउट कराता हूँ। यहाँ मैंने ऑन करी है इसकी इंडिकेटर सेंटर लाइट्स, जिससे आप चेक कर पा रहे होंगे पूरी हेडलाइट बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। इसके ऊपर पन्नी लगी हुई है ऑल्दोस, जो कि ये नई है पूरी की पूरी, चेकआउट कर लो, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। तो ये तो होगी हमारी फ्रंट प्रोफाइल की बात, जहाँ पे कि आपने हेडलैम्प्स देख लिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी साइड प्रोफाइल पे, जहाँ पे कि गाड़ी के ऊपर काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। ये देखिए हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए पहले स्ट्रिप डायल फ्लोटिंग इंडिकेटर, जो कि इसके टायर पे इंस्टॉल किए हैं। इसके लॉय के काम करेगा, साथ इंडिकेटर के काम भी करेगा, जैसे आप देख पा रहे हो कि अगर नॉर्मली अगर हम इसको इंडिकेटर ऑफ करेंगे तो ये नॉर्मल ऑन हो जाएगी, इसमें कि आपको इस तरह से DRL ऑन होती है हमारी, इसी तरीके की जो है फ्लोट आपको इसके अंदर भी जो है दिखेगी। और इसके अलॉय व्हील यहाँ रखे हुए हैं, जो कि हमने क्रोम से ब्लैक कर दिए हैं, जो बहुत ज़्यादा लुक गाड़ी की इनहेंस कर रहे हैं। इस साइड पल्ली तरफ में ऑलरेडी हमने अलॉय व्हील्स लगा दिए हैं। मैं आपको साइड प्रोफाइल चेकआउट कराता हूँ इसकी, और साइड प्रोफाइल में अलॉय व्हील है, जो कि हमने पहले सिल्वर थे, अब हमने इसको पूरा प्रॉपरली ब्लैक में कर दिया है, पियानो ब्लैक, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। थोड़ा सा गंदा हो गया बट स्टिल, इंडिकेटर आप चेक कर लो उसके अंदर। ओके, गाड़ी की अगर बात करूं इंटीरियर की, इंटीरियर में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन काम इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। पहले तो आप इसको सबसे पहले नज़र पड़ रही है इसके एम्बियंस लाइट पे, चेकआउट कर लो। एम्बियंस लाइट गाड़ी की लुक कहीं तक इनहेंस कर रही है, देख लो भाई, पास से भी दिखा देता हूँ। उसके बाद में हमने इसके अंदर एटमोसफेयर लाइट भी जो इंस्टॉल की है, जो आगे की लग चुकी है, पीछे की एक बार सीट्स आएगी तो उसके बाद लग जाएगी, जो कि यहाँ रखी हुई है इस टाइम पे, देख पा रहे होंगे आप। और साथ में इसके अंदर जो है काम हुआ है एक नंबर, सबसे ज़्यादा बेहतरीन वो हुआ है इसके म्यूज़िक सिस्टम के ऊपर। तो जो हमने म्यूज़िक सिस्टम की बात करें, हमने इसके अंदर कंपोनेंट्स इंस्टॉल करे हैं, जो हमारे इंस्टॉल हुए हैं रॉकफोर्ड पावर के। और सबसे बढ़िया चीज़ जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल की है, इसका हेड यूनिट देख रहे हो, अभी जो हमने हटा रखा है वो रहने वाला है पायनियर की। और इसकी हेड यूनिट आप चेकआउट कर लो, पायनियर की रहने वाली है, ये बहुत डिफरेंट टाइप का रहने वाला है। इसका जो हेड यूनिट है प्रॉपर टच रहने वाला है, जो कि आप पोर्ट कर सकते हो, पोर्टेबल होता है, देख लो पूरा पोर्टेबल होता है। उस टाइम वहाँ से उसकी स्क्रीन जो हटा रखी है हमने, ये रहने वाला है हमारा सेट SPH T20 BT। और इसके अंदर हमने इसके अंदर ब्राजो का एम्बी इंस्टॉल किया है। लेट्स सी गाड़ी के अंदर का जो बेस बेहतरीन होने वाला है, म्यूजिक सिस्टम एक नंबर रहने वाला है। और आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर आऊँ लाइट की बात करें, तो इसके अंदर हमने एक लाइट और इंस्टॉल की है, जो हमारे साइड स्प्लिटर्स के थोड़ी सी ऊपर दिख रही होगी आपको। तो ये गाड़ी जब चलेगी तो ऑब्वियस बवाल मचाएगी। वहीं अगर हम बात करें इसके रेयर की, तो रेयर चेकआउट कर लो पहले, तो मैं आपको रेयर में अंदर लेके चलूँगा, जहाँ पे हमने इसको प्रॉपरली डैम किया है अच्छे से, जो कि हमारी डैम्पिंग रहने वाली है ऑटोमैक्स की, चेक कर लो पूरा हमने पीछे तक अच्छे से डैम किया है इसको। तो स्टेपनी वाले एरिया से तो प्रॉपर नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पे हो चुकी है इस टाइम पे, कहीं भी जगह नहीं छोड़ी है। ओके, ये तो होगी बूट स्पेस की बात। अगर बूट स्पेस से आपको थोड़ा सा बाहर लाऊं लाइट्स के ऊपर, तो टेलर चेक कर लीजिए, आफ्टर मार्केट हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है। DRL चेकआउट कर लो। ओके, तो यहाँ तो होगी हमारी गाड़ी के पूरी A to Z बात, मोटा मोटी जो हमारी गाड़ी में आज चल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी को डिटेल में, अभी इसमें क्या काम चल रहा है। मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखे, आज के ब्लॉग में आपको काफ़ी कुछ दिखाने के लिए है। और मेक श्योर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, इस गाड़ी का आउटपुट बिल्कुल मिस मत करना, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट में आपको आउटपुट सुनाऊंगा, जो कि आपको आई होप आप लोग मिस बिल्कुल भी ना करें। जो आउटपुट इसके अंदर से निकलेगा ना, वो एक नंबर होगा जहरीला, तो मेक श्योर इसका आउटपुट ज़रूर सुनूंगा। और अब यहाँ पर हमारी इंस्टॉल हो रही है स्कर्टिंग लाइट्स, देखो आगे भर एक बार कुछ चेकआउट कराया तो देख लो भैया, बहुत ज़्यादा हैवी भी है भैया। अभी इसमें मार रहे हैं प्राइमर, जिससे कि ये प्रॉपरली फिटमेंट ले ले अपनी।
और यहाँ पे हमारे भाई लोगों ने अटैच कर दिया इसमें लाइट। लेट्स सी इसका आउटपुट कैसा है। ऑल्दो इसके अंदर हमने सिर्फ डबल टेप नहीं लगाई है, हमने इसके अंदर जो है नट बोल्ट्स भी लगाए हैं, अदरवाइज काली टेप से गिरने के चांस भी हो सकते हैं। इसलिए ये देखो भाई आउटपुट चेकआउट कर लिया, बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। ये सारी लाइट्स और सारी लुक आपको तब समझ में आएगी अब गाड़ी एक बार प्रॉपर रेडी हो जाएगी, रनिंग में कंडीशन में होगी, चलते हुए शॉट्स होंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगेगी। और दोस्त यहाँ पे जब तक हमारा ये काम हुआ, साइड में अलॉय व्हील्स भी जो हमारे फिट हो गए हैं, चेकआउट कर लो। हेडलैम्प्स बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है इसकी। इस गाड़ी के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगेगी इसकी हेडलैम्प और टेल लैम्प, और उसके बाद इसका म्यूजिक सिस्टम जो कि मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। इस टाइम पे भैया टाइट कर रहे हैं इसका स्पीटर भी और लाइट भी पूरी टाइट कर रहे हैं प्रॉपरली, ताकि एटलीस्ट एक बार काम हो, पक्का काम हो जाए, कोई बाद में इश्यूज ना फेस करने पड़े। सो इसकी यहाँ पायनियर की हेड यूनिट रहने वाली भाई दोस्तों, ये अलग कर रखी है मैंने, अटैच करना भैया इसको एक बार। ये हो गई इस पर अटैच प्रॉपर, तो लेट्स सी किस तरीके का आउटपुट अभी अपने को मिलता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है पावर के कंपोनेंट्स लगे हैं रॉकफोर्ड के, और हेड यूनिट इतना तगड़ा वाला लगा हुआ है उसको, उसके ऊपर से हमने डिग्गी में हमने इसके अंदर डालनी है पेटी, जिसके अंदर P1 के दो रॉकफोर्ड के बूफर लगे हुए हैं। तो लेट्स सी आउटपुट, बिना सुने मत जाना वालों। और यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन चल रही है पूरी रूफ की भी, क्योंकि हमने रूफ में प्रॉपर पूरी डैम्पिंग करी है जो कि रहने वाली ऑटोमैक्स की। भैया रेयर पे कैमरे की फिटमेंट कर रहे हैं इस टाइम पे, और यहाँ पे अपना ब्राजो का एम और अपना मोगो का एम इंस्टॉल हो रहा है। तो ब्राजो वाले से अपने अपने कंपोनेंट्स रन होंगे, और मोगो से हमारे जो है वूफर रन करेंगे यहाँ पे। लेट्स सी किस तरह एक आउटपुट आता है। और यहाँ पे आ गए अपने रॉकफोर्ड के P1 के डबल बूफर। लेट्स सी पहले इसको इंस्टॉल करते हैं एक बार, फिर इसका आउटपुट भी आपको जो है यहाँ पे सुनाएंगे। यहाँ पे अपनी गाड़ी का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट होते हुए, अदर काम गाड़ी में ऑलरेडी कंप्लीटेड था, बट मैंने सोचा कि बीवी थोड़े बहुत शॉट्स आपको दिखाऊं, बट नाउ गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट है। लेट्स सी द म्यूजिक, इसका आउटपुट अंधेरे में ले जाके इसको आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा। लेट्स सी किस तरीके का जो है आपको आउटपुट देगा अंधेरे में, अभी ही इतना अच्छा लग रहा, देख पा रहे हैं कॉम्बिनेशन, आगे देखना कितना अच्छा लगेगा। लेट्स सी हमारे साथ गाड़ी के ओनर रहने वाले, अभी आपका नाम क्या है? साहिल। साहिल सो कैसी लगी आपको गाड़ी? एक नंबर की। एक नंबर, मतलब जैसा सोच के आए थे वैसी हो गई? हाँ जी। मतलब आपने लाइट्स वगैरह देखी होगी, लाइट इंटीरियर म्यूजिक सिस्टम तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगा, बहुत लाउड अभी। बहुत लाउड है तो मतलब इतना लाउड चाहिए था आपको? हाँ जी हाँ जी। तो मैं उससे आपसे है पूरा काम है। हाँ जी हाँ जी। और मतलब 10 में से कितने मार्क्स लोगे भैया? पूरे 10। चलो ठीक है, थैंक यू। सो यहाँ पे हुई अपनी पोलो पूरी तरह से रेडी, तो अब आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का पूरा बम्पर टू बम्पर A to Z क्या क्या काम हुआ है, कितना टाइम लगा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मत भैया जो मैं गाड़ी के बारे में पूरा बम्पर टू बम्पर बताने वाले हैं। सो भैया हम स्टार्ट करेंगे इसके बम्पर से, जो इसमें काफ़ी यूनिक काम हम देख पा रहे हैं आज, मतलब प्रॉपरली रेड कलर से प्रॉपर इसकी मैश को अच्छे से आउटलाइन किया गया है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पूछूंगा। सर ये पोलो GTR का हेडलाइट लगाया था, तो उसमें एक रेड लाइन का हेडलाइट में रेड लाइन है ओके, जो उसको हाईलाइट दे रहा है, तो उसको हमने जेल करने के लिए उसका ग्रिल को भी, एक्चुअली GTR जो बाहर का एडिशन आता है उसमें रेड और लाइन का एक जेल होता है ग्रिल के अंदर ओके, तो हमने वो ग्रिल नहीं लगाया क्योंकि वो तो बहुत आम था ओके, क्या होता है स्क्वायर होता है कॉर्नर पे ओके, हमने थोड़ा सा यूनिक करने के लिए कस्टमर को थोड़ा सा अलग लगे, तो नीचे उसका उसकी हाईलाइन के हिसाब से उसमें जो है काम किया भैया ने। और भैया इसकी जो मैं हेडलाइट्स देख रहा हूँ ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब नॉर्मली ये हेडलाइट देखने के लिए मिलते नहीं है,
पोलो के अंदर ये GTR की हेडलैम्प है और इतना इजीली मिलता नहीं है। ओके अच्छा चीज का डिमांड था इसलिए हमने ओके अगर अच्छी अच्छा मैं इसको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा ऑन करने की भैया एक बार ऑन करना हेडलैम्प को। तो ये हो गई हमारी हेडलैम्प ऑन इस टाइम पे। एक बार आपको पास से दिखा देता हूँ और वहीं अगर मैं थोड़ी सी बात करूं नीचे तो भैया नीचे इसके अंदर हमको स्प्लिटर्स नजर आ रहे हैं। ये 3D स्प्लिटर्स कहते हैं इसको। ओके तो आयरन के आते हैं वो हमने इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि वो बहुत बारीक होते हैं। ओके आयरन वाले काफी बारीक होते हैं। बारीक होते हैं और गाड़ी चलती है तो उसमें आवाज आता है। आवाज आती है जी, जी, तो ये एक्चुअल जो ऑडी वगैरह में आता है R8 वगैरह में हमने वो यूज किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल होता है इससे गाड़ी का थोड़ा सा डायमेंशन थोड़ा हो जाता है। हां जी और बीइंग ब्लैक था तो हमने इसको अलॉयज को भी ब्लैक किया। अलॉय को भी ब्लैक किया हाँ जैसे अलॉयज सिल्वर था। सिल्वर थे ओके हाँ, वो जेल नहीं हो रहा था तो हमने थीम एक ही रखने की कोशिश किया कि थीम एक ही रहे एक ही रहे। इसका अलॉयज बहुत बढ़िया था हमने अच्छा डलवा रखा था लगभग 17 inch इसका अलॉय है। ओके ठीक है और बहुत ही स्मार्ट अलॉय है ठीक है बहुत ही यूनिक अलॉय है। बाकी भैया एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ इसके एक चीज़ मैं उसमें और देख पा रहा हूँ जो हमने इसमें लाइट इंस्टॉल की है फ्रंट में पूरी प्रॉपरली नीचे भी देख पा रहा हूँ लोगों के अंदर भी देख पा रहा हूँ बहुत यूनिक लग रही है। इवन इसके अंदर हमने पेंट भी किया हुआ है रेड से ही। हाँ तो भैया इसको करने के पीछे क्या था काफ़ी यूनिक है सर। एक हमारे स्टाफ है मेंबर वो उनका नाम है पंडित जी ठीक है तो उनका दिमाग है। ओके तो अच्छा है थोड़ा सा यूनिक लग रहा है और सुंदर लग रहा है और अच्छा है बिल्कुल यूनिक ग्लो कर रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और भी जो नीचे आपने स्प्लिटर्स के ऊपर लाइट्स आपने जो इंस्टॉल की हुई है वो भी गाड़ी के लुक को एनहांस कर रही है बहुत। नया है अभी आया नहीं है बाजार में ओके बाहर अभी आया ही था तो कस्टमर ने डिमांड किया था तो ये भी लगा। ओके अब हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के ऊपर जैसे आप देख पा रहे हैं इस साइड से अगर हम बात करें अलॉयज के बारे में बताया भी है ना कि हमने इसको जो है प्रॉपरली 17 inch का अलॉय है 17 inch का पूरा अलॉय है बहुत ही ब्यूटीफुल अलॉय है गाड़ी को बहुत अच्छा लुक दिया लुक भी अच्छा दे रहा है। अभी साइड में भी हमने लाइट्स लगा रखी है अपने स्प्लिटर्स के ऊपर स्प्लिटर के ऊपर लगाई है थोड़ा सा यूनिक फील दे रहा है। ओके और ये टायर्स पे हमने हां ये तो आपने देखा ही होगा आजकल तो बहुत ट्रेंड में है ट्रेंड में है ये चीज लगा रहे थे तो ये भी लगा रहे हैं। ओके और भैया अगर हम इसके साथ में अगर हम बात करें इसके रेयर की तो रेयर पे भी मैंने इसको नोट किया काफी टेल लैंप बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है मैट्रिक्स में पूरी मैट्रिक्स में सर ई क्लास की जो इसमें डायमेंशन है वो ई क्लास है। अच्छा डायमेंशन ई क्लास है ई क्लास की मैट्रिक्स लाइट कहते हैं उसको बहुत ही ब्यूटीफुल है ठीक है और गाड़ी और भी बहुत आती है इसमें ब्रिटिश करके फ्लैग के करके आती है वो अच्छी नहीं लगती तो क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे तो ज़्यादा बेटर हमने एक चीज़ और लगाया है इसमें अभी इतना नज़र नहीं आ रहा है बाहर लोग अंदर लगाते हैं हमने थोड़ा इसको बाहर लगा। ओके एक लाइट है इसमें पूरी आउटलाइन में जो कि अभी आपको गाड़ी को हम जो है प्रॉपरली एकदम अंधेरे में ले जाके आपको दिखाने वाले हैं। अगेन हमने इसमें फिर से लाइट नीचे इंस्टॉल की हुई है क्योंकि हर जगह था तो हमें यहाँ पे लगाना जरूरी था साइड ओके हमने जब पूरी गाड़ी को एक तरह से कवर किया था तो ये चीज़ भी जरूरी थी बिल्कुल जरूरी भैया। तो यहाँ पे हुई हमारी एक्सटीरियर की बात पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं गाड़ी के अंदर जहाँ पे कि हमने भैया काफी अच्छा खासा मतलब बेहतरीन काम किया बेसिकली जो सिस्टम के लिए बहुत फॉर्म था okay. तो उसने बेसिकली सिस्टम में बहुत काम किया है तो हमने हाइलाइट्स आपको हाइलाइट्स दिखाई है okay. तो क्योंकि गाड़ी में इतना काम हुआ है तो ये सब करना जरूरी था। मेन इसका जो सिस्टम है बहुत ऑसम है okay. हमने रॉकफोर्ड का सारा सामान यूज करा है okay. और एम्प इस्तेमाल किया okay. और सिस्टम हमारा एंड्रॉयड है पायनियर का बिल्कुल okay. लेटेस्ट वर्जन है okay. और यूनिक है यूनिक है इस्तेमाल नहीं किया हेड यूनिट इसका एंड्रॉयड है इसका टैब है वो टैब ओके बहुत ही सुंदर स्टीरियो है ओके बहुत ही सुंदर स्टीरियो और हमने इसमें रॉकफोर्ड के डबल इंक्लोजर को इस्तेमाल किया। अभी एक बार ओपन करके दिखाना बूट स्पेस बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये पायनियर का स्टीरियो है हमारा ओके और एक चीज हमने और किया कि बीइंग इसमें सिस्टम बहुत हैवी था तो हमने कैपेसिटर लगाया इजीली अवेलेबल नहीं होता ओके इजीली अवेलेबल चीज नहीं रहता है ओके गाड़ी जब बैक इतना बड़ा बड़ा एम चलता है तो ड्रेन होता है बैटरी बहुत हाँ बहुत ज्यादा तो ये उसके लिए हेल्प करता है। तो भैया एक तरह से ये क्या हेल्प करने वाला है गाड़ी के साथ सर, अगर पूछे क्या होता है कि जब एम बिल्कुल अपनी फीस मांग रहा होता है ओके तो
कैपेसिटर गाड़ी में क्या होता है, आपकी लाइट की फ्लक्चुएशन होती है और एम ट्रिप मारता है, एम ट्रिप मारता है, ये कैपेसिटर होता है कि उस चीज को प्रॉपरली हैंडल कर लेता है, okay. आप कह सकते हो एक टाइप ऑफ इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर टाइप okay. स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर पहले जैसे एसी के साथ लगाते हैं, ओके ओके ओके, तो बहुत प्रोफेशनल होता है, ओके okay, मतलब ये चीज अगर आप बोलेंगे हैवी सिस्टम अगर गाड़ी के अंदर लग रहा है तो ये नीड है, ये लगाना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, फ्लक्चुएशन वगैरह, फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगी, कस्टमर को खड़ी गाड़ी में भी बहुत अच्छी साउंड मिलेगी, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके ठीक है। तो ऐसी काफी चीजें हैं, मतलब तो भैया एक बार हम इसके सिस्टम के ऊपर मूव करेंगे, जिस तरह हमने बात करी इसके एंड्रॉइड की, पाइनियर के एंड्रॉइड की, एक बार हम देखना ही पसंद करेंगे। ऑल्दो मैंने इसका रिव्यू आउटपुट वगैरह अपने व्यूवर्स को सुना दिया है, पर मैं एक बार बोलूंगा आपसे भी, एक बार हमें एक बार दिखा दीजिए अंदर। सर ये पाइनियर का हेड यूनिट 8 इंच स्टार कहते हैं, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोमो, बहुत अच्छा टच, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा प्रोफाइल बाहर है, ओके तो यूनिक लग रहा है, जो भी गाड़ी में बैठे एकदम से लगेगा वो क्या लगा हुआ इसमें चीज, देख लो ये पूरा थोड़ा प्रोफाइल ये बता रहे हैं, बाहर बहुत बाहर रहता है इसका, थोड़ा सा बाहर है, देखो मैं दिखाता हूं, स्पोर्ट्स कार टाइप का प्रोफाइल है, ठीक है, और काफी छोटा मोटा हमने इसमें काम किया, इसे गियर नॉब बनाया, ओके गियर नॉब कस्टमाइज किया भी आपने, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी इसका स्टीयरिंग भी देख पा रहा हूं, करेंगे हम अभी किया, अच्छा इंटीरियर होना बाकी है इसका, ओके। अब भैया इसके अंदर मैं देख पा रहा हूं लाइट्स, हमने एटमॉस्फेयर लाइट्स भी इसके अंदर इंस्टॉल की हुई है, जी जी, जो कि अच्छी भी लग रही है, और सबसे बड़ी बात इसके गेट पे देख पा रहे हैं एम्बियन लाइट, जो कि और ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी सफाई से इसके अंदर काम हुआ है। सो भैया एक सिंपल क्वेश्चन, इस तरीके की गाड़ी अगर कोई रेडी करवाता है तो कितना टाइम उसको बेसिकली लगता है? सर डिपेंड करता है कस्टमर को क्या चाहिए बेसिकली, अगर वो इंटीरियर कराना चाहता है तो 1 से 2 दिन लगते हैं, ओके। वैसे तो किया नहीं हमने इसका इंटीरियर पहले, okay. काफी हमारा जो हमने आप पीछे पीछे जो हमने दिखाया था तो वो किया था, उसमें 2-3 दिन का काम था, ओके। बाकी इंटीरियर इस तरीके के काम में हम 1 दिन में दे सकते हैं, ओके। तो भैया अब हम बात करेंगे यहाँ प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग की बात करूँ तो लाइट्स जैसे हमने इसके अंदर इंस्टॉल की है स्कर्टिंग के ऊपर जितनी भी हमने लगा रखी है, तो इसकी हमें कितनी कॉस्ट आ जाती है भैया? सर हम 3D स्कर्टिंग और इस तरीके की लाइट्स अगर हम लेते हैं, वैसे तो ये बिल्कुल यूनिक है, अभी आई नहीं है मार्केट, हाँ जी, और टायर लाइट वगैरह में तो 10-15 हज़ार में हम कर सकते हैं, एक्चुअली बेसिकली डिपेंड करता है किस एंड का कस्टमर है, क्या क्वालिटी वो चाहता है, ओके। पर इस तरीके का हम 15-20 हज़ार में कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी एक चीज़ और पूछूंगा, अगर किसी को इतना ज़्यादा हाई एंड ऑडियो सेटअप नहीं चाहिए, एक बेसिक सेटअप चाहिए जिसमें 4 कंपोनेंट्स हो, बेस ट्यूब हो, सही सही, सर बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हम लोग 4 स्पीकर लगाएं और एक अच्छा हेड यूनिट लगाएं और कंपोनेंट लगाएं जैसे आप JBL या किसी इंफिनिटी या किसी भी अच्छे ब्रांड, तो हम लोग 25-30 टच करके वो काम करवा सकते हैं, ओके, जिसमें हमारा बहुत अच्छी आवाज दे सकते हैं हम लोग, मतलब हमारा रोज काफी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ओके, तो बहुत अच्छी आवाज हम प्रोवाइड करा सकते हैं और सैटिस्फाई भी होते हैं कस्टमर, ऐसा बेसिकली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि वायर वगैरह घटिया लगाते हैं चीप काम करते हैं, तो लोग वो सब हम नहीं करते, अगर कस्टमर में पेशेंस है और हमारे से वो काम करवा सकता है तो हम उसको बहुत अच्छी चीज डिलीवर कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए कि वो काम करा रहा है अच्छी चीज, तो हम वो कर सकते हैं, ओके। ऐसे कि आपने बताया तो मतलब 25-30 हज़ार के बीच में एक अच्छा ऑडियो सेटअप आपको यहाँ से डिलीवर हो सकता है ना, ये बोल सकते हैं आप? हाँ हम करते हैं, हम रोज लगाते हैं हम रोज, दिन में 15-20 गाड़ी, ओके 15-20 गाड़ियाँ डेली होती है, डेली करते, ठीक है। आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, इस तरीके की पोलो आपने बहुत रेयर आपने देखी होगी, अगर इनकेस देखी भी होगी तो इतने अच्छे सेटअप वगैरह के बहुत रेयर देखने के लिए मिलती है, आपको भी अपनी गाड़ी में इस तरीके काम से बनाना है, चाहे पोलो हो चाहे i20 हो कोई सी भी कार हो, तो आपको सिंपल सोबर आ रहा है डेली कार एक्सरीज जो कि पाली और आरकेपुरम में है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जरूर दबाना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको और वीडियोज की। चलिए मिलते हैं फ्यूचर में और वीडियो के साथ, टिल देन।